तो शादी से पहले हम लोग इसकी शॉपिंग करने के लिए आए थे। सो हेलो एवरीवन, मैं और मर्सी जा रहे हैं शादी की शॉपिंग के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। मॉर्निंग में ही हम मेट्रो के लिए निकल गए थे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा रश मिला, मैं तो खड़े होकर ही गई। आई विश कि नेक्स्ट मेट्रो जब मैं पकड़ूँ तो मुझे सीट मिल जाए बैठने के लिए। फाइनली हम राधा की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, राधा की शादी की शॉपिंग के लिए। यहाँ हमें मेट्रो मिल गई है, आराम से बैठ के अब हम चांदनी चौक उतरेंगे और अपनी शॉपिंग करेंगे। आज का हमारा पूरा दिन शॉपिंग पर निकलने वाला है, उससे पहले क्यों ना कुछ एनर्जेटिक हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम ठंडा ठंडा जूस पी रहे हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी शॉपिंग। सही पकड़े हैं, चांदनी चौक मार्केट, वी आर फाइनली एंटर्ड। डिस्कस कर रहे हैं क्या पहले लें, लहंगा, सूट, साड़ी। चांदनी चौक में और भी अगर आपको सस्ती शॉपिंग करनी है तो गलियों में जरूर जाइए, जो गलियों में शॉप्स होती है वहाँ बहुत रीजनेबल प्राइसेस में आप शॉपिंग कर सकते हैं। कितनी दूर है भैया आप तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। फाइनली आइस के लहंगे की शॉपिंग करने के लिए आए, मल्टी कलर कॉम्बिनेशन पे। तो फाइनली हम लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है कुछ भी, और क्योंकि इतना हम जितना ज्यादा देख रहे हैं उतना हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा यार। जैसे कि हमारे पास टाइम भी बहुत कम है और उस शॉप पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, और जो पसंद आया वो बहुत हाई रेट्स थे तो मैंने स्किप कर दिया वहाँ से, और नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वो शॉप है जहाँ मैंने शिवानी दी की शादी में लहंगा बाय किया था, लेकिन इस टाइम मुझे शादी के हिसाब का यहाँ इन बजट कुछ नहीं मिला। ये तो हम फाइनली राधा के लिए लहंगा ट्राई कर रहे हैं, फाइनली अब पता चलेगा इसको क्या पसंद आएगा। ये फोर्थ शॉप है जहाँ मैं लहंगा देख रही हूँ, और यहाँ लहंगे बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे रेड पिंक में कुछ भी नहीं चाहिए था, मुझे कुछ अलग चाहिए था और वो भी इन बजट चाहिए था। लेकिन हम यहाँ से कुछ नहीं खरीदेंगे, चांदनी चौक मार्केट में एंट्री के साथ ही आपको जगह जगह पर एजेंट्स मिल जाते हैं जो कि लहंगे वाली शॉप से ही कनेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही हमें ये भैया मिले थे, इन्होंने हमें तीन शॉप्स घुमाई जहाँ की हमें पसंद नहीं आया, फिर अब ये लास्ट अपनी शॉप पर लेके जा रहे हैं ताकि हमें रिजनेबल रेट्स में लहंगा मिल जाए। तो हमें तो पता ही नहीं था कि मेन रोड पर दुकानें होती हैं या अंदर कैसी दुकानें होंगी, लेकिन उन्होंने वो दुकान दिखाई जो कि बाहर के रेट से अंदर के रेट्स में बहुत अंतर था। और ये कितनी गलियां हैं यहाँ पे। लहंगा मेरा फिक्स हो चुका है, वो अभी कैन कैन लगने के लिए गया हुआ है। इतने में हम साड़ी देख रहे हैं, गहरा डिस्कशन चल रहा है साड़ियों को लेकर। ये देखिए, चॉइस हल्की नहीं है इसकी। मैं खुद ले रहा हूँ, सारी फ्रेंड की रोज उठाना नहीं है। फ्रेंड है आपकी ना, सिस्टर है, क्या बोला तूने? लिख रहा था ये चूड़ा पसंद आया, ये वाला हो गया भैया, सुमित को दिखा रही, ये वाला पसंद आया है। सही है, 100 के 100 रुपए सही है, 2000 का ये है और ये 100 रुपए। चलो इसी बात पे पेटीएम कर दो। क्या बोला तूने? पेटीएम कर दो इसी बात पे। कितनी मेहनत लगाई हमने, कितने सारे चूड़े देखे, देखो सही ना वो वाला चूड़ा, देखो जल्दी कंपैरिजन देखो, ये रे ये भी देखे थे वो भी देखे थे ये वाले।
थका दिया राधा ने आज। क्या लिया तूने राधा? राधा क्या लिया दिखा? ये लड़की कुछ ज्यादा ही खुश है शादी के चक्कर में। फाइनली ले लिया, बढ़िया है ना। तो हमने बहुत सारी शॉपिंग करी है, पूरा दिन लगा दिया है यहाँ पे, और थैंक्स टू मर्सी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। भूख लग रही है, हम ये खा रहे हैं जो मैं सुबह काट के लेके आई थी, ठंडे ठंडे वाटरमेलन काट के लेके आई थी, और इस टाइम पे ठीक है, टेस्ट मीठे लग रहे हैं। मैं बहुत चूजी हूँ तो मर्सी ने बहुत हेल्प करी सामान को मैं खरीदवाने के लिए। ये बहुत चूजी और मैं बहुत कोऑपरेटिव। मतलब कितना प्यारा व्यू आ रहा है ना बीच में, देख लाल किला। हमने कुछ भी बाहर से नहीं लिया है इस बार, यहाँ तक कि पानी भी नहीं, घर से ही हम पूरा पैक करके चले थे, पानी तक भी नहीं लिया, खाने का तो बिल्कुल भी नहीं, ना छोले ना भटूरे कुछ भी नहीं खाना, अपना रोटी सब्जी हम घर से लेके आए। मर्सी मम्मी के लिए ले रही है क्या? ओके कल कपड़ा है बेटा, कपड़ा पैक नहीं हो पाएगा ऐसा पूरा पैक है। दूसरा वाला कौन सा है? 400 में 400 फाइनल नहीं आएगा, 400 फाइनल हो गया। अच्छा हमको सिखा रही है सर, वहां से मैंने लहंगा लिया है। ठीक है, तो ये मेरा लहंगा रेडी हो चुका है। डबल कैन इन्होंने मुझे लगा कर दी है, फिटिंग काफ़ी अच्छी की है, मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, मुझे सच में लहंगा बहुत बहुत अच्छा लगा। डिज़ाइनर लहंगा हाउस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, एड्रेस फ़ोन नंबर एवरीथिंग आप चेक कर सकते हैं। चांदनी चौक में ऑन रोड जो शॉप्स के रेट्स थे वहाँ से काफ़ी काफ़ी अच्छे रेट्स पर मैंने ये लहंगा बाय किया है, बहुत अच्छी बार्गेनिंग करी थी मैंने। स्टाफ का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था और मैं सच में लहंगा पहन के तो मैं तो पैर ज़मीन पर ही नहीं है। अरे दुल्हन वाला ग्लो तेरे फेस पे अब हंस रही है। ड्रेस ऑन द वे बहुत ज्यादा सामान ले लिया है। हाँ ये अच्छा लग रहा है, डाल बैग में सामान डाल। फाइनली लहंगा ले लिया एक पागल लड़की ने, बहुत परेशान कर दिया। फाइनली बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, सुबह से हालत ख़राब हो गई, ऊपर से ये मास्क, ये बंद नहीं हुई लिफ्ट, अब घर जाएंगे, शॉपिंग हमारी ये रही। इस बैग में सामान है, इस बैग में सामान है और इसमें तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। ओह बड़ी जल्दी ये तो मेरे को हंस रहा है यहाँ पे, अंदर लेने भी नहीं आए, अंदर देखा खाना क्या है और ये भी है।